देश में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एक हो चुका है। एक महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन गोकस हैं कि बाज नहीं आ रहे। इस घड़ी में भी गोकस अपने गंदे कामों को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला शाहजहांपुर के आरसी मिशन थाना क्षेत्र का है। यहाँ गाय काटने जा रहे गोकस को टोकने पर गोकस हुआ फरार। मौके पर मोटरसाइकिल सहित गोकसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हुए बरामद। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोकसी में सम्मिलित दरोगा व सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, मांस, टोकरी आदि छोड़कर गोकस भाग खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई गई थी, लेकिन जनपद में गोकसी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। हालांकि शासन के निर्देश पर पुलिस द्वारा हाल ही में गो हत्यारों के खिलाफ अभियान चलाकर कई गोकसों को जेल भेजा जा चुका है, परंतु गोकसी के लिए विख्यात थाना रामचंद्र मिशन के पुतुलाल, बॉडीगाम, ककरा आदि क्षेत्रों में गोकसी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता फतेहपुर चुंगी में बाड़ी गांव से गुजर रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों में से साइकिल लेकर निकले गोकस पर नजर पड़ गई। कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तब तक वे मौके पर अपनी साइकिल तथा गोकसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, टोकरी, पॉलिथीन, बोरियां आदि छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के राजेश अवस्थी व राहुल शुक्ला, प्रभाकर वर्मा, अखिल शुक्ला, पवन गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उपकरण बरामद होने तथा गोकसी रोकने के लिए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी, सीओ सिटी थाना अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को कार्यवाही का आश्वासन दिया, परंतु कार्यकर्ता गोकसी में सम्मिलित हल्का इंचार्ज दिलीप सिंह चौहान व सिपाही ओमकार सिंह के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग पर अड़ गए। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल दिलीप सिंह व ओमकार सिंह को लाइन हाजिर करने की बात पर राजेश अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को शांत किया तथा जनपद में हो रही गोकसी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने की भी बात कही। क्या कुछ मामला था यहाँ पर? आप लोग एकत्रित हुए हैं रात्रि में, रोहित पांडे, आज आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर रात्रि में, क्या कुछ मामला था, किस लिए आज आप लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा? ऐसा है, ये सभी गौरक्षक हिंदू भाई हमारे हैं, ये रोहित जी पांडे और राहुल शुक्ला जी हैं, उनके साथ इनके स्टीमित दो तीन चार थे, ये लोग इधर आए हुए थे किसी काम से, तो इनको कई बार से नजर है कि इधर गोकसी होती है लगातार, तो ये नजर भी रखे हुए थे। तब तक इन्हें देखा कि साइकिल वाला जो है इधर निकल रहा, जो अंधेरे में निकल रहा है, इन्होंने उससे टार्च मारी, आवाज दी तो भागा, तो इन्होंने पीछा किया। इन लोगों ने पीछा करने के बाद वो भाग खड़ा हुआ है, वो चूंकि ये लोग पीछे से थे, वो आके काफी दूर साइकिल छोड़ करके भाग गया। इसमें गौकसी करने वाले सारे हथियार, उसमें चाहे कुल्हाड़ी हो, चाहे छुरा हो, चाहे बोरी हो, चाहे कोई एक प्लास्टिक की डलैया बहुत बड़ी होती है, वो सारी चीजें साइकिल सहित बरामद हुई है। यहाँ पे जैसे ही हमारे छोटे भाइयों ने हमें सूचना दी, हम अपने अध्यक्ष श्रीमान सुमित खन्ना जी और राजीव जी, बंटी जी और ये भाई सभी लोग, हमारे प्रभाकर जी वर्मा, ये सारे लोग उनको एक दूसरे फोन किया, ये सारे लोग 5-7 मिनट के अंतर यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ पर सारी जगह ढूंढ चुके हैं, कहीं पे गाय बंधी हुई पड़ी हुई है, निश्चित रूप से कि उसकी ही कटेगी, वही कटेगी। और वो यहाँ पुतुलाल चौराहा एक गौकसी का गढ़ है, जिसमें लगातार कई वर्षों से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लगातार मैंने कई बार गौकसी हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है, गाय जिंदा पकड़ी है, गाय कटी हुई पकड़ी है, और इसकी सूचना कई बार मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को दे चुका हूँ कि यहाँ पर ये तालगांव निगोई में, निगोई और ये रामचंद्र मिशन जो पुतला चौराहा, ये कसाईयों का गढ़ है, यहाँ पे कसाई किसी प्रकार से इनके अंदर डर नहीं है, और जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक ये अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। सवा घंटा पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता हुई थी, बड़े साहब से, उन्होंने जब मेरी वार्ता हुई थी उसके बाद निर्णय लिया कि लगातार कसाईयों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी इनके डर नहीं बैठ रहा है, तो इनके लिए इनका एनकाउंटर होना चाहिए, तब ये डर बैठेगा, अन्यथा ये गौकसी बंद नहीं होगी। योगी और मोदी कहते हैं कि गौकसी, योगी जी कहते हैं गौकसी मुक्त होना चाहिए, गाय नहीं कटनी चाहिए, देश बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कसाई है, चंद कसाई जो दलाल है पुलिस के, कुछ पुलिस वालों के, और वो उनको मिल करके ये गौकसी कर रहे हैं, जिसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आंदोलन की रूप लेगा, अगर लॉकडाउन न होता तो आज यहाँ किसी प्रकार से हम लोग वापस नहीं जाते। ये सभी हिंदू संगठनों के कई लोग, अपने भाई अपने साथ में हैं, आए हुए हैं, और अपने सभी लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया है कि 5 मिनट के अंदर खड़े हुए हैं आप लोगों ने, हम लोगों ने तय किया है, पूरी टीम बनाएंगे और जहाँ जहाँ गौकसी होती है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को
साथ ले जाकर के अपनी सुरक्षा व्यवस्था में इनकी जो है ढूंढेंगे कहां कहां को किसी और जरूरत पड़ेगी तो उनको गोली भी मारेंगे। ज्यादा हम लोग वो कर सकते हैं। ये जो गौकशी हो रही है इसमें आप किसे मेन रूप से दोषी मानते हैं, किसकी वजह से इस पर अंकुश आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है, इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए ऐसा है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमारे भाइयों से जानकारी मिली और हमें पहले से जानकारी है, यहाँ दिलीप सिंह एक दरोगा है जिनकी अभी 3-4 दिन पहले डीलिंग हुई थी, बताया था 50,000 रुपए की डीलिंग, उसका मुसलमान उसका नाम है जो राहिल 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 के द्वारा की गई है और उनके द्वारा लगातार यहाँ गौकशी होती है और गौकशी इनकी डीलिंग होती है, जिसको किसी प्रकार से ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तत्काल अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा।